दोस्तों अपनी स्क्रीन पे अभी जो आपको मॉल दिख रहा है, इसे पूरी दुनिया के सबसे अजीबोगरीब मॉल माना जाता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस मॉल में दिख रही हर एक चीज फेक है। असल में दोस्तों इस मॉल का नाम फेक ग्रोसरी स्टोर और ओमेगा मार्ट है, जो कि यूएसए के लास वेगास में मौजूद है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे मौजूद हर एक चीज़ की रेप्लिका को बिलो प्लास्टिक और खाली कैंस का इस्तेमाल करके बनाकर तैयार किया गया है। और यही वो कारण है जिस वजह से इस मॉल के नाम बहुत ही अनविश्वसनीय वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं। दोस्तों आज के टाइम पे रैपिंग करना बहुत ही बड़े स्केल में फेमस है, लेकिन क्या आपको पता है ये रैपिंग का कॉन्सेप्ट या आखिर रैपिंग करना स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों अभी आपको जो अपनी स्क्रीन पर वीडियो दिख रही है, इसे साल 1940 में रिकॉर्ड किया गया था। और ये पहली बार था जब द जुबलेरिस नाम के बैंड के द्वारा रैपिंग को परफॉर्म किया गया था। And Biller, the ringing of the hammer that judgment, the hewing of the saw that sin repent. 100 years he hammered and sawed, filling the ark by the grace of God. When the ark was done. दोस्तों अक्सर हम ये सुनते हैं कि हॉलीवुड लोगों को ये ऑफर करता है कि अगर वो बिना डरे उनकी हॉरर मूवी को पूरा देखे तो उन्हें इनाम के तर्ज पर लाखों रुपए दिए जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश भारत की वो सबसे पहली कौन सी मूवी है जो कि इसी कॉन्सेप्ट के साथ आई थी? असल में दोस्तों साल 2008 में रिलीज हुई फूक मूवी भारत की सबसे पहली ऐसी मूवी थी जिसने ये अनाउंस किया था कि अगर किसी इंसान ने थिएटर में बैठ के इसे पूरा देख लिया और उसकी हार्ट बीट एक सर्टेन रेट के ऊपर नहीं गई तो उसे पुरस्कार के तौर पर 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। दोस्तों हर कोई चाहता है कि वो भी अपने फेवरेट सुपर हीरो की तरह ही दिखे, लेकिन कभी ये चाहत सनक में बदल जाती है इसका अंदाजा अक्सर लोगों को लगता ही नहीं है। मिलिए बॉडी बिल्डर रोमारियो डोस सैंटोस से, जिन्होंने मार्वल के कैरेक्टर हल्क जैसा दिखने के लिए अपनी आर्म के अंदर कुछ और ही नहीं बल्कि सिंथॉल को ही इंजेक्ट करा डाला। डराने वाली बात यह है दोस्तों कि डॉक्टर्स का कुछ ऐसा मानना है कि आगे आने वाले समय में इनके आर्म्स पूरे तरीके से काम करना बंद कर देंगे। दोस्तों हमारे दुनिया में एक से एक काल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लेकिन इस कॉम्पिटिशन के बारे में जानने के बाद आप जरूर हैरान हो जाओगे। स्वागत है आपका जर्मन स्टेट रोमानिया में होने वाली ट्रेडिशनल फिंगर पुलिंग चैंपियनशिप में। असल में दोस्तों इस चैंपियनशिप में कॉम्पिटिटर्स को कुछ इस तरीके से एक टेबल के दोनों ही तरफ बैठा दिया जाता है और एक दूसरे की फिंगर्स को पुल कराया जाता है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि जिस भी प्लेयर्स की फिंगर टूट जाती है या दर्द के चलते वो गिव अप कर देता है तो दूसरे प्लेयर को चैंपियनशिप का विनर घोषित कर करोड़ों रुपए उसे सम्मानित किया जाता है। तो कौन कौन अपने दोस्तों या रिश्तेदार को इस चैंपियनशिप में भेजना चाहता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपने पेड़ों पर ये व्हाइट पेंट को तो देखा ही होगा, बट क्या आपको पता है इन पेड़ों पर इस व्हाइट पेंट का पर्पस क्या होता है? तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहली बात तो ये रेड एंड व्हाइट कलर बताता है कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के प्रोटेक्शन में है। और दूसरी बात यह है कि इनको रात को विजिबिलिटी के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि देर रात अंधेरे में व्हाइट कलर सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है और इसलिए आपने रोड पर भी ये व्हाइट पट्टी को देखा होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। हम बहुत ही करीब है 6000 सब्सक्राइबर्स के।